वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट्रेजोल टैबलेट को लेने के बाद आपको किन दिनों पर रिलेशन बनाना है और कौन कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो लेट्रेजोल टैबलेट के कोर्स को पूरा करने के बाद, और ओवल्यूशन मतलब कि अंडा किस दिन रिलीज होना है। इन सभी बातों को हम लोग क्लियरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो लेट्रेजोल टैबलेट है उसमें 5 टैबलेट होती हैं और 5 टैबलेट का ही कोर्स होता है। अलग से भी 10 टैबलेट वाली स्ट्रिप आती है, लेकिन जो लेट्रेजोल है उसका 5 दिन का कोर्स होता है, ठीक है। और जो इसकी डोज है वो भी अलग अलग होती है, 2.5 mg की, 5 mg की या 7.5 mg की। वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि आपको कौन सी डोज लेनी है, यूजली कौन सा आपका अटैम्प्ट है, कितनी बार आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हो, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी डोज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजली 2.5 mg से आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो स्टार्ट किया जाता है। इन टैबलेट्स को पीरियड साइकिल के दूसरे दिन स्टार्ट करना होता है। सपोज करो कि किसी भी फीमेल को किसी भी मंथ की पहली तारीख को पीरियड्स आने हैं या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो जो रेकमेंडेड टाइम है, डे है, वो डे 2 का होता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर आपकी कंडीशन या आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डे 7 तक इन टैबलेट्स को लेना एडवाइस कर सकती हैं। लेकिन बेस्ट टाइम डे 2 का होता है, क्योंकि उस टाइम पर ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है और इन टैबलेट्स का जो वर्क है ईस्ट्रोजन के लेवल को कम रखना होता है। इन टैबलेट्स को आपने दिन में एक बार लेना है रात को सोने से पहले, और अगर आप नहीं ले सकते हो रात को सोने से पहले कोई अदर मेडिसिन है तो आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो, लेकिन जो बीच का इंटरवल है 24 आवर्स का वो फिक्स होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने दोपहर को लेना स्टार्ट किया तो आपको दोपहर को ही लेना है, और अगर आपने रात को लेना स्टार्ट किया तो आपको रात को ही लेना है, ठीक है। तो जिस भी तारीख को इन टैबलेट्स का कोर्स पूरा हो जाता है उस तारीख से लगभग 5 से 10 दिन के अराउंड आपको ओवल्यूशन होता है, मतलब कि अंडा रिलीज होता है, जो अंडा है वो रप्चर होता है। तो इन्हीं दिनों के आसपास आपको रिलेशन रखना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका 6 तारीख को कोर्स पूरा हुआ, तो आपको जो रिलेशन है वो 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में बनाना है। और आप चाहें तो रिलेशन पर डे भी रख सकते हो, अल्टरनेटिव डे भी रख सकते हो, लेकिन 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी टिप मेरी ये है कि जब भी आप इन टैबलेट्स को लेना स्टार्ट करोगे उससे 1 मंथ पहले आपको फोलिक एसिड विटामिन B9 आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो टैबलेट्स हैं ये बहुत हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, और बेबी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑफकोर्स। और जो दूसरी टैबलेट्स है वो है कैल्शियम और विटामिन D3, क्योंकि लेट्रेजोल टैबलेट को लेने से कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, और जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट होता है। तीनों टैबलेट आप अगर कंटिन्यू रखते हो, और जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेशन आपने इन दिनों पर रखना है, अगर रखते हो तो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो डे 10th से, मतलब कि 6 तारीख को आपने इन टैबलेट्स का कोर्स पूरा किया, तो 10 तारीख से आप ओवल्यूशन टेस्ट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, ये पता करने के लिए आपको कौन से दिन ओवल्यूशन होगा। इसके लिए आपको मार्केट में जाना है, वहाँ पर आप ओवल्यूशन टेस्ट कार्ड को परचेज कर सकते हो, जो कि LH टेस्ट कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो मोस्ट फेमस ब्रांड है वो है iKnow, जिसको आप परचेज कर सकते हो। 10 टेस्ट कार्ड आपने परचेज करने हैं। इनको यूज़ करने का तरीका सेम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड की तरह ही होता है, उसमें भी आपको यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती है 3 से 4। जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं वो यूजली हम लोग सुबह खाली पेट बोलते हैं टेस्ट करने के लिए, लेकिन जो LH टेस्ट कार्ड हैं, जो iKnow आप टेस्ट कार्ड लेके आओगे, उसको आपको दोपहर के समय यूज़ करना है। और जब आप इन टेस्ट कार्ड को यूज़ करोगे तो इसमें आपको 2 लाइन जब नज़र आ जाती है तो उसके 12 से 24 घंटे के बाद आपको ओवल्यूशन होना होता है। और जो दूसरा तरीका है वो है फोलिकुलर स्टडी का, जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, और इसको भी आपको डे 10th से स्टार्ट करना होता है फोलिकुलर मॉनिटरिंग। और फिर आपको जो सोनोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको बताते रहेंगे कि जो आपका फोलिकुलर का साइज़ है वो कितना है और किस दिन वो रप्चर होगा।
जो आइडियल साइज है वो 18 से 20 mm का होता है। जब ये इस साइज तक पहुंच जाता है फोलिकुलर तो उसके रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और 12 से 48 घंटे के बीच में वो कभी भी रप्चर हो सकता है। तो उन्हीं दिनों के आसपास आपको रिलेशन बनाना होता है। रिलेशन बनाते समय आप ध्यान रखें कि जो डिस्चार्ज है वो आपको डीप इनसाइड करना है। कभी कभी लोगों के मन में इस बात को लेकर भी डाउट रहता है कि जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा डिस्चार्ज तो बाहर ही निकल जाता है वजाइना से, तो कंसीव कैसे होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।